आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। दो बाइक और 12 साइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोरियों का पता चला। कोरबा जिले के बालको नगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ उसके कब्जे से 2 बाइक और 12 साइकिल बरामद की है। पिछले दिनों अलग अलग क्षेत्रों से इन्हें पार किया गया था। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस ने आरोपी राहुल साहू को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज करने के साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सभी तरह की कोशिश करने के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में चोरी चकारी सहित कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में आसपास के लोगों की भूमिका स्पष्ट हो रही है। बालको नगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाइक और 12 साइकिल पिछले दिनों चोरी हुई थी। इस बारे में पीड़ितों के द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा प्रकरण में जांच पड़ताल करने के साथ भद्रापारा में रहने वाले राहुल साहू को गिरफ्तार किया गया। बालको नगर TI राकेश मिश्रा ने बताया कि उसके कब्जे से जो भी किया गया सभी सामान बरामद कर लिया गया है। चोरी का खुलासा करने में बालको नगर क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलिस ने बताया कि बालको टाउनशिप स्कूल से एक साइकिल को चोरी करने के दौरान आरोपी को देखा गया और इसके बाद उससे विस्तृत पूछताछ की गई। यहां बताना आवश्यक होगा कि बालको नगर पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से बहुत बड़े हिस्से में 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर आए हैं। इनके माध्यम से दूसरे हिस्से की गतिविधियों को देखा जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में साइकिल और बाइक को पार करने के मामले का खुलासा पुलिस ने जल्द कर लिया। उम्मीद करना होगा कि बरामद की गई गाड़ियां जल्द ही उनके वास्तविक मालिक को प्राप्त हो जाएगी। और बरजगमर से नागेंद्र पाल की रिपोर्ट। आज कुछ आरोपी पकड़ा है जिनके पास से मोटरसाइकिल और साइकिलें बरामद की गई। क्या बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। चूँकि पूरा थाना क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से घिरा हुआ है, तो इस सूचना पे मोटरसाइकिल चोरी और साइकिल चोरी की अपराध पंजीबद्ध किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें बालको थाने का एक निगरानी बदमाश है भूपेंद्र साहू उर्फ राहुल, जो भद्रापारा निवासी है, उसको साइकिल लेके BTI स्कूल से साइकिल लेके जाते हुए देखा गया। इस तदीक पर उसको बुला के पूछताछ किया गया तो उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 12 साइकिल बरामद की गई है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसको अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये साइकिल और मोटरसाइकिल को करता क्या था, किस प्रकार से बिक रहा था? ये साइकिल वगैरह को करता था, मोटरसाइकिल को तो खुद रखा हुआ था, चला रहा था। और साइकिल के बारे में पूछा गया, जहाँ जहाँ पे साइकिलों को भेजा था तो उन साइकिलों को रिकवर किया गया। तो गरीब तबके के लोग थे जिनसे 200-400-500 रुपये उधार लिया रहता था, तो उनको ये मेरी साइकिल है भैया, जब मैं पैसा वापस करूँगा तो साइकिल वापस कर दीजिएगा, ऐसे बोल के ठग के उनको ये साइकिल दिया हुआ था। सभी लोगों का बयान लिया गया है, बयान लेके इसको हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं इसके खिलाफ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।